गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। एट क्लास बच्चों, आज आपका सब्जेक्ट है संस्कृत और आपकी संस्कृत की बुक का नाम है संस्कृत सोपान। तो चलिए अपनी बुक ओपन करते हैं, पेज नंबर 13 ओपन करेंगे बच्चों। पार्ट 4 चतुर्थ पार्ट है, चार पार्ट है आपका। संघीय शक्ति सर्वदा, संघीय मीन्स संगठन में, शक्ति शक्ति सर्वदा हमेशा, यानी जो संगठन होता है उसमें हमेशा शक्ति होती है, अकेले रहने में शक्ति नहीं होती है। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है। आसीत दक्षिणात्य जनपदे महिला रोप्यम नामे नगरम। पुराने समय में दक्षिण दिशा में जनपदे दक्षिण दिशा दक्षिण जनपद में महिला रोप नाम का नगर था। तत्र नाति दूरे एक है विशाल है वट वृक्ष है आसीत। तत्र मीन्स उसके, नाति दूरे पास में ही, एक विशाल बड़ा वट वृक्ष बरगद का पेड़ आसीत था, उसके पास ही एक विशाल बड़ा बरगद का पेड़ था। तस्य वृक्षस्य शाखा में शाखाया में कह लघु पतन को नाम है का कह प्रति बस्ती स्मह। तस्य वृक्षस्य उसी पेड़ की, शाखा में डालियों पर या टहनियों पर लघु पतन को, लघु पतन नाम का काके है कोआ प्रति बस्ती स्मह रहता था, यानी उसी पेड़ की शाखाओं पर लघु पतन नाम का एक कोआ रहता था। एक दा सह जाल हस्तम एकम व्याधम व्यालोक्यत। एकदा मीन्स एक बार, सह उसने, जाल हस्तम जाल को हाथ में लिए हुए, एकम एक, व्याधम मीन्स शिकारी, व्यालोक्यत देखा, एक बार उसने जाल को हाथ में लिए हुए एक शिकारी को देखा। सह स्वय सह वासिनाम पक्षिणाम सावधानताए पक्षिण है प्रयोक्तवान। सह मीन्स उसने, सहवासिनाम मीन्स अपने साथ रहने वाले, पक्षिणाम पक्षियों को सावधानतया सावधान करते हुए, पक्षिण पक्षियों को प्रोक्तवान कहा। वो ऐसे है दुरात्मा व्याध है इत एव समायति। अरे एक दुरात्मा मीन्स बुरा, व्याधय शिकारी, इत है यहाँ, एव समायति आ रहा है, यानी एक पक्षियों सुनो, यहाँ एक बुरा शिकारी आ रहा है। अत्र आगत्य यहाँ आकर, अयम जालम यानी अपना जाल प्रसार फैलाएगा, तंडुलान चावलों को प्रेक्षति फैलाएगा, यानी यहाँ आकर अपना जाल फैलाकर चावलों को बिखेर देगा। यूयमस्य प्रलोभनादा कष्टा न भवत। यूयमस्य मीन्स हम लोगों को प्रलोभनादा कष्टा लोभ में नहीं, नय भवत आना चाहिए। तान तंडुलान विस्मयु परिजत्य है। तान तंडुलान मीन्स उसके चावल, विस्मयु मीन्स विष के समान या जहर के समान, परिजत्य समझना चाहिए, उसके चावलों को जहर के समान समझना चाहिए। अन्यथा जाल मध्य परिबधा भविष्यतः है, यानी वरना उसके जाल में फंस जाएंगे। एव कथ्यते ऐसा कहने के, एवं कथयत तस्य सह व्याधम तत्रागत्य जालम प्रसारयत तदुपरि तंडुलांश प्राक्षिपत तत्रैव नाति दूरे गुप्त रूपेण च स्थित है। ऐसा कहते ही सह मीन्स वह, व्याध जो शिकारी, तत्रागत्य वहां आ गया, जाल प्रसारित जाल फैला दिया, तदुपरि मीन्स उसके ऊपर तंडुलांश चावल प्राक्षिपत बिखेर दिए, अत्रैव और नाति दूरे पास ही में गुप्त रूपेण छिप गया, च स्थित है वहीं पर, यानी वहीं पर पास में छिप गया। किंचित कालांतरे चित्रगीवो नाम कपोत राज है स्वयमित्र है सह सहसा तत्रागत दूरत है प्राक्षिपतान तंडुलान पश्चात। किंचित कालांतरे कुछ समय बाद चित्रगीव नाम था कपोत राजा, को कबूतरों का राजा, स्वयं मित्र है अपने मित्रों के, सहसा अचानक तत्रागत्य वहां आ गया, दूर से ही
प्राक्षिपात्मान देखकर, तंडुलान पश्चात चावलों को देखकर, यानी चावलों को फैला हुआ देखकर, तब की कुछ समय बाद कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने मित्रों के साथ वहां आ गया। तदा लघुपतकेन निवारोपि, वहां लघुपतनकेन यानी जो कोवा था लघुपतन नाम का, निवारोपति मना करने के बाद भी सह वह जीव्यालोपात जीव के लालच के कारण तंडुलान भक्षणमार्ग यानी चावलों को खाने के लिए अवरत आ गया। यानी जो वो कबूतरों का राजा था लघुपतन के मना करने के बाद भी चावलों को खाने के लिए अपनी जीव के लालचवश आ गया। एव इस प्रकार सह वह कपोतः कबूतर सह कबूतरों के साथ जाल मध्य जाल के बीच में निर्गल भवत फंस गया। इस प्रकार वह कबूतरों के साथ जाल के जाल में फंस गया। सह लुप्त को यदा तान बद्ध व्याकुलेन गृहीतुम अधावत, उन्हें वह लुप्त को लालची जो शिकारी था गृहीतुम देखकर अधावत भागा। तदा चित्रगीवो एभवत, तब चित्रगीव यानी जो कबूतरों का राजा था बोला, भो पक्षिण अरे पक्षियों, न भेत्यम डरो मत, न भेवेत्यम डरो मत डरोम, यूयम साहसम कुरुत है, अपना साहस करो यानी सब अपने अंदर साहस जुटाओ, साहसी बनो। व्याधस्य जाल मदाय सह उत्पतत, यानी शिकारी के जाल को लेकर या जाल के साथ उत्पत उड़ जाओ, अन्यथा मृत्यु प्राप्त सत्य वरना मृत्यु प्राप्त होगी। सर्वे अपि में सभी पक्षिणः पक्षी जाल मादाय जाल को लेकर सामूहिक बलेन यानी एक साथ बल को लगा करके तदा उत्पतन उड़ गए। व्याधोपि तेषां पृष्ठे अधावत, जो शिकारी था तेषां उनके पृष्ठे पीछे अधावत भागा, यानी शिकारी भी उनके पीछे भागा। किंचित दूरे कुछ दूर गतवा जाकर तान यदा ना पश्चत, उन्हें ना देखते हुए तदा निराशो, वह निराश होकर भूतवा प्रयावर्तर वापस आ गया। चित्रग्रीव है कपोत तानुवाच, चित्रग्रीव ने कबूतरों से कहा, हिन्नको नामानाम हिन्नक नाम कहा, मूसक है चूहा, मम्मिस मेरा मित्र है मित्र वर्तते है, सह वह एव तैतत पास छेदम करिष्यति, वह अप इस जाल को काट देगा। तदा सर्वे हिरण्यक समीपम प्राप्तवाम, अतः इसीलिए सभी को हिरण्यक के पास चलना चाहिए या जाना चाहिए। हिरण्यक तेषाम जाल मर्त्यत तान बंधन बंधना मोचयत, जो हिरण्यक था उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया, उन्हें बंधन उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। एव इस प्रकार सर्वे सभी कपोतः कबूतर बुद्धियक्ता संग बलेन यानी अपनी बुद्धि से संग बलेन एक साथ बलपूर्वक चे और विपत्या विमुक्ता एवं और विपत्ति से मुक्त हो गए, यानी सभी कबूतरों ने एक साथ साहस पूर्वक बल का प्रयोग करके वे विपत्ति से जो उनके ऊपर संकट आया था उससे मुक्त हो गए। इसलिए बच्चों हमें विपत्ति के समय में अपनी शक्ति को अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि पूर्वक काम करना चाहिए। बच्चों आपकी कॉपी में आपको शब्द अर्थ करने हैं और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करने हैं, बाकी एक्सरसाइज वर्क सभी आप बुक में करेंगे जिसकी आपको फोटो खींचकर भेज दी जाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।